योगी सरकार की तमाम सख्ती के बावजूद यूपी में सरकारी कर्मचारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। इस खबर की तरफ रुख करते हैं। संभल में 108 एम्बुलेंस पर तैनात ड्राइवर और स्वास्थ्य कर्मचारी मरीजों को अस्पताल ले जाने के बजाय उन्हें परेशान कर रहे हैं। दरअसल संभल के जिला अस्पताल में 108 एम्बुलेंस गंभीर हालत में एक महिला मरीज को लेकर पहुंची। महिला की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल के डॉक्टर ने महिला को इलाज के लिए मुरादाबाद ले जाने के लिए रेफर किया, लेकिन एम्बुलेंस कर्मचारी महिला को मुरादाबाद ले जाने के बजाय बहाना बनाकर फरार हो गए। और काफी देर तक एम्बुलेंस कर्मचारी नहीं आए तो डॉक्टर ने 108 नंबर पर इसकी शिकायत की। शिकायत के बाद भी महिला को मुरादाबाद ले जाने के लिए कोई एम्बुलेंस जिला अस्पताल नहीं पहुंची। इस बीच गंभीर हालत में महिला तड़पती रही, दर्द से कराहती रही, लेकिन उसके गुहार सुनने वाला कोई भी मौजूद नहीं था। हाँ, ये पेशेंट आई थी, इसके साथ में कोई अटेंडेंट नहीं था, तो हमने इसको पूरा अपना ट्रीटमेंट करके मुरादाबाद के लिए रेफर कर दिया, लेकिन जो एम्बुलेंस वाला वो उसको बीच में ही छोड़ के भाग गया। हमने पूरा रेफर स्लिप बना दी थी, 108 वाला उसको छोड़ के भाग गया, और हमने 108 पे इसकी फिर कंप्लेंट भी की है।